अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाबरस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी मज़ेदार स्वीट की रेसिपी है इंस्टेंट खरवस। ट्रेडिशनली खास दूध से बनाया जाता है, जिसे चिक कहा जाता है, बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो इसे हम इंस्टेंट तरीके से घर पे ही बनाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इंस्टेंट खरवस बनाने के लिए सामग्री चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क लिया है 200 ग्राम, तो इसको हम डालते हैं सीधे बाउल में। तो यहाँ पे हमने सारा कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, ये भी लगभग 200 ml दूध है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम दही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही हमारा कितना ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारे पास चीक तो अवेलेबल नहीं होता, तो ये इंस्टेंट प्रोसीजर बहुत ही अच्छी है। हर जगह पे चीक तो ऐसे अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो अब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल खरवस टाइप में हो जाएगा वो। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे लगभग अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर हमें 1 चम्मच लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कॉर्नफ्लावर अच्छे से घुल गया है सारी चीज़ों में, ये देखें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, हम यहाँ पे थोड़ी सी डाल देते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हो, बट नॉर्मली ऐसे ही होता है खरवस। तो यहाँ पे हमारा खरवस का बैटर रेडी है। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। आपके पास केक का टिन हो तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, या तो फिर कुकर का अगर बर्तन हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐसे स्प्रेड करेंगे। एकदम मज़ेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने खरवस को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे एक गहरे पैन में 3 से 4 कप पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे स्टैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैंड की वजह से पानी हमारे और बर्तन के अंदर नहीं जाएगा। और अब हम टिन को पैन में रख देते हैं और गैस की फ्लेम हम लो मीडियम रखते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे खरवस को लगभग 40 से 45 मिनट तक लो हीट पे स्टीम करना है। और इस पर हम डाल देते हैं ढक्कन और हमें बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि सारा पानी ख़त्म ना हो जाए। फ्रेंड्स, लगभग 40 मिनट तक हमने खरवस को स्टीम कर लिया है। एक बार हम चम्मच की हेल्प से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो परफेक्ट बना है, और हम चाकू की हेल्प से देखते हैं चेक करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाकू हमारा एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा खरवस एकदम अच्छे से पका है। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम खरवस को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि खरवस हमारा अच्छे से सेट हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खरवस देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। हमने लगभग 1 घंटे तक इसे रेफ्रिजरेट किया था, तो यहाँ पे हमारा खरवस बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम फटाफट से कट कर लेते हैं। पहले हम इसके साइड लूज करेंगे इस तरह से।
एकदम परफेक्ट कलर आया है, जैसे ट्रेडिशनल खरबस होता है वैसे। यहाँ पे हमने साइड लूज़ कर लिए हैं, अब इसे हम स्क्वायर में कट करेंगे। आप अपने शेप के हिसाब से कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पीस निकला है और बहुत अच्छे से एकदम सेट हुआ है। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हमारा खरवस। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है और सारे सामग्री हमारे इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं। तो जल्दी से हम टेस्ट करके देखते हैं। वाह, ये देखिए कितना परफेक्ट बना है कलर भी। और अभी टेस्ट करते हैं। यम्मी, अमेजिंग बना है, बहुत ही बढ़िया और मीठे में एकदम परफेक्ट है और एकदम मज़ेदार बनाए। तो फ्रेंड्स, आप ये इंस्टेंट खरवस घर पे जरूर ट्राई करें और आपके कमेंट नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।